मुझे पता चला है कि एंटमैन 3 का ट्रेलर लीक हो चुका है और यार वो वाला ट्रेलर मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता यार कॉपीराइट इशू की वजह से। लेकिन हाँ वीडियो के लास्ट में जरूर बता दूंगा कि आप उस ट्रेलर को कहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए आपका बिना ज्यादा टाइम लिए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार इस मूवी के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि ये मूवी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है और ये बात ट्रेलर को देखने के बाद साबित भी हो जाती है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बताई जाती है एंटमैन की बेटी कैसी लैंग जो की अब काफी बड़ी भी हो चुकी है और वो काम कर रही होती है जेनेट फेंटाई के साथ वो भी उसी की लैब में। लेकिन अचानक से जेनेट की लैब में कुछ गड़बड़ होने लगती है और फिर वो हैंक पिन एंटमैन इन सबको लैब में बुलाती है। लेकिन अचानक से वहाँ पड़ी एक मशीन में कुछ दिक्कत होने लगती है और फिर वो मशीन सबको अपने अंदर खींच लेती है मतलब क्वांटम रैम के अंदर खींच लेती है। और यार इस वाले सीन में क्वांटम रैम को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है और हमें पहली बार इस मूवी में क्वांटम रैम के क्रिएचर्स भी दिखाए जाएंगे। हाँ तो क्वांटम रैम में आने के बाद ये सब अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। हैंक पिन और जेनेट वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहले जेनेट फंसी हुई थी और इधर एंटमैन वॉस्प और कैसी लैंग पहुंच जाते हैं कैंग के किंगडम में जहां पर कैंग कैसी लैंग को पकड़ लेता है और एंटमैन उससे बोलता है कि छोड़ दो मेरी बेटी को मैं एक एवेंजर हूं। और उसके बाद कैंग उससे बोलता है कि तुम एक एवेंजर हो तो क्या मैं तुम्हें पहले मार चुका हूं। अब यार जिसके बाद कैंग द कॉन्करर स्कॉट के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मुझे मेरी एक चीज ला कर दो और मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा और वो चीज होती है उसकी चेयर जो थोड़े टाइम पहले चोरी हो चुकी थी। लेकिन एंटमैन उसका काम करने के लिए मना कर देता है। अगर आप लोग उस चेयर के बारे में सोच रहे हो तो वो कोई मामूली चेयर नहीं है, यूं समझ लो कि उस चेयर की वजह से कैंग द कॉन्करर की पावर डबल हो जाती है। और बस यहीं पर ये ट्रेलर एंड भी हो जाता है। यार इसके आगे कोई अगर लीक आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ ट्रेलर देखना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर जरूर देखना।